नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार, रिसर्च स्कॉलर बॉटनी डिपार्टमेंट, चौधरी चंद सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। और जैसा कि आप जानते हैं कि बॉटनी जो सब्जेक्ट है वो साइंस से रिलेटेड है और ये बायोलॉजी के अंदर आता है। अब आपका सवाल होगा कि बॉटनी आखिर होता क्या है, आप इसका परिभाषित कैसे करोगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं अभी बॉटनी डिपार्टमेंट में हूँ और आप देख सकते हो कि चारों तरफ छोटे बड़े पेड़ खड़े हुए हैं। ये जो पेड़ है इनके बारे में आप जब अध्ययन करोगे, वो आप किसी भी प्रकार का अध्ययन हो, जैसे आप इनके नाम के बारे में, इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इनकी रूट स्ट्रक्चर कैसी है और इनका डाइसेक्शन करके इनकी एनाटॉमी कैसी है। जैसे एक मनुष्य में होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें ये बीमारी हुई है या हमें बुखार हुआ है, तो ऐसे ही इन्हें भी डिजीज होती है और आप इनको भी स्टडी कर सकते हो। तो आप वो उसे स्टडी करोगे आप प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। तो ये अगर मैं कंसाइज मतलब बहुत शॉर्टली बताऊं तो आपको जो ये पेड़ पौधे है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, उसका किसी भी प्रकार का अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है, जिसे आप वनस्पति विज्ञान भी कहते हो। तो आप अब इनके बारे में सभी प्रकार के अध्ययन से करने के बाद आप इनको इनकी पहचान भी कर सकते हो और इनकी फिजियोलॉजी वगैरह के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। और ये जो पढ़ना है कि आप इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, इनकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, इनकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, ये सब आप इनकी ब्रांचेज के अंदर आता है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट टैक्सोनॉमी और प्लांट एनाटॉमी। और बस इतने कहना चाहूँगा, ब्रांचेज के ऊपर मैं आपको दोबारा बताऊँगा। वैसे तो ब्रांचेज के ऊपर एक अच्छा नोट्स बनाया जा सकता है गूगल्स और बुक्स के जरिए, लेकिन जितना आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे उतना ज़्यादा बेटर है। आज मैंने बॉटनी को ही समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। इसमें यही है कि ये जो हमारे आसपास छोटे बड़े जितने भी पेड़ पौधे हैं, इन सभी का किसी भी प्रकार का अध्ययन हो, वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। धन्यवाद।